अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और वेलकम टू आवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैलेक्सीज, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, क्या होती हैं और गैलेक्सीज की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, कैसे बना है और इसकी जो थ्योरीज हैं, बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी, एक्सपेंडिंग थ्योरी, उसके साथ साथ हमने एविडेंसेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे गैलेक्सीज। अब गैलेक्सीज क्या होता है? गैलेक्सीज होता है क्लस्टर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं। क्लस्टर का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्टार क्या क्या होता है और स्टार कैसे बनता है। स्टार, अगर आपको याद हो, हमने बिग बैंग थ्योरी में और हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में हमने ये पढ़ा था कि जब बिग बैंग हुई थी तो उससे क्या हुआ था, उससे स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर, वो सारे बाहर आए थे। अब हम इस मैटर को देखते हैं। मैटर, मैटर में क्या क्या है? मैटर में है डस्ट पार्टिकल्स प्लस गैसेस, ठीक है। अब ये जो डस्ट पार्टिकल और गैसेस, अब ये जो मैटर बाहर आ गया था, अब हर मैटर की डेंसिटी अलग अलग थी, ठीक है, डिफरेंट डेंसिटी थी। अब हुआ ये कि इसको आप यूं समझें कि हर मैटर का मास डिफरेंट था। जैसे कि आपको पता है कि जब मास डिफरेंट होता है, जब जो बड़ा, जिसका मास बड़ा होता है, ज्यादा होता है, जिस तरह सन है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है छोटी छोटी चीजों को। हम ये जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये इसी वजह से कर रही है कि उसको सन उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, पुल कर रहा है अपनी तरफ। तो यही चीज हुई कि उसकी डेंसिटी डिफरेंट थी, तो मैटर आपस में क्या होना शुरू हुआ, जिसकी ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा थी उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, पुल करना शुरू किया बाकियों को। और एक इसको कहते हैं नेबुलाई, नेबुलाई से बन गए। नेबुलाई क्या कहते हैं कि एक क्लस्टर ऑफ गैसेस एंड पार्टिकल। अब यहां पे ये हुआ कि एक इसकी डेंसिटी बढ़ती गई, डेंसिटी बढ़ती गई, डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल, ये एक 1 यूनिट वॉल्यूम है। अब इसमें मास ज्यादा होता गया होता गया। पहले 1 kg था, 2 kg, 100 kg, फिर 1000 kg, मास ज्यादा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसे आपको समझाने के लिए कि इसमें मास ज्यादा होता गया होता गया होता गया। इसका मतलब ये हुआ। अब हुआ ये कि जब इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा बढ़ती गई, फिर क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। फ्यूजन क्या होता है? जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बने। अब ये जो हीलियम बने, इसकी वजह से ये जो रिएक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होती है? हीट, हीट और लाइट बाहर आती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। अब ये एनर्जी है, जिस तरह आपको पता है कि सन भी एक स्टार है, तो सन की जो, सन से जो हमारे पास जो हीट आती है और उसकी जो लाइट आती है, ये किस क्यों आती है, कौन सी रिएक्शन? ये इस रिएक्शन की वजह से आती है कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो ये एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और यही वजह है कि हमारे पास हीट और लाइट आती है। तो ये स्टार, ये होता है स्टार।
स्टार इस तरह से बनते हैं। और हमारी जो गैलेक्सी है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी क्या है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स, यानी बहुत सारे स्टार्स जब बने हैं, बहुत सारे स्टार्स बने 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 और गैलेक्सी बनी, तो ये होती है गैलेक्सी। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि सन भी स्टार है, तो सन हमें फिर क्यों नजर नजर भी आता है, हमें सन बड़ा भी नज़र आ रहा है हमें, और सन की जो हीट है उससे हम अफेक्ट भी हो रहे हैं, और उसकी लाइट भी आ रही है हम तक, तो फिर स्टार्स क्यों नहीं आती? स्टार्स भी तो वही चीज़ है। अब होता यह है कि सन हमारे बहुत करीब है, स्टार्स जो हैं ये हमसे बहुत 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 दूर हैं, बहुत दूर है। वो इतने दूर हैं कि उनकी लाइट है ना, रात को आप देखें ना, तारा जो स्टार होता है वो एक डॉट सा नज़र आ रहा होता है, तो वो लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा देर लगती है, और इसी तरह उसकी जो हीट है उससे हम वो हमें कोई अफेक्ट नहीं कर रही, तो ये रीज़न है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, गैलेक्सी के मतलब एक डेफिनेशन जो अच्छी सी खूबसूरत सी वो ये है कि गैलेक्सी इज़ अ मैसिव ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम, मैसिव ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्स एंड मैटर। अच्छा, गैलेक्सीज टोटल कितनी है? हमारे जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें कितनी गैलेक्सीज हैं? 100 बिलियन से भी ज्यादा, 100 बिलियन एंड मोर। अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्डेड गैलेक्सीज जो हैं वो है 150। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। टाइप्स कितनी है? एक है इलिप्टिकल, दूसरी है स्पाइरल, और तीसरी है इररेगुलर। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारे अपने गैलेक्सी के पास, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसको कौन सी, उसको क्या कहते हैं? हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। आवर गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और इसकी जो नियरेस्ट है गैलेक्सी दूसरी, उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी है, और ये कितनी दूर है हमसे? 2.5 मिलियन ईयर्स। अच्छा, हम आते हैं टाइप्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलिप्टिकल। अच्छा, इलिप्टिकल में सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट गैलेक्सीज हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा है, वो है इलिप्टिकल, बहुत ज़्यादा अबेंडेंट है। दूसरी ये है कि ये ओल्ड है और डिम है, तो इसमें ये होता है कि जो बाकी जो न्यू स्टार्स हैं और जो ब्राइटर स्टार्स हैं वो इसको आउटशाइन करती हैं। न्यू स्टार्स, ब्राइटर स्टार्स आउटशाइन देम, आउटशाइन। तीसरी
तीसरा आपने याद रखना है कि इसकी जो शेप है वो क्या होती है, उसकी उसमें ना स्वर्लिंग आर्म्स नहीं होते, इसकी जो शेप होती है वो इलिप्स की तरह होती है। हैज शेप लाइक इलिप्स। अब ये बनती कैसे है, मतलब किस तरह बनती है ये इलिप्टिकल गैलेक्सी? इलिप्टिकल गैलेक्सी बनती है गैलेक्टिक कोलिजन की वजह से। गैलेक्टिक कोलिजन क्या होता है, जब दो गैलेक्सीज आपस में टकरा जाती हैं और वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब जो उसका अपना स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और उसका एक कम सा स्ट्रक्चर रह जाता है, तो मतलब शेप उसकी हो जाती है। इस तरह ये वाली गैलेक्सी बनती है। ड्यू टू गैलेक्टिक कोलिजन। गैलेक्सीज लूज इट्स शेप्स। लूजेस एंड बिकम अ लेस स्ट्रक्चर्ड गैलेक्सी। ये हमारे पास ही एलिप्टिकल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी क्या होती हैं? स्टार्स, गैस, गैसेस, डस्ट, ये क्या होती हैं? आर गैदर्ड स्पाइरल आर्म्स दैट स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम गैलेक्सी सेंटर। इन सिंपल ये है कि इसके जो स्पाइरल आर्म से बने होते हैं, यानी कि इस तरह का, इसकी मैं पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब होता है इसमें यह है कि गैस डस्ट ज्यादा होते हैं और न्यू फॉर्मिंग स्टार्स हॉट यंग स्टार्स ज्यादा होते हैं इसमें, इस वजह से ये ब्राइटेस्ट होते हैं। गैस डस्ट ज्यादा होते हैं और मोर सो न्यू फॉर्मिंग स्टार्स आर मोर सो दे आर द ब्राइटेस्ट। अब इसमें थ्री टाइप्स होते हैं, एक है एस ए, एक है एस बी, एक है एस सी। एस ए क्या होता है, जिसके टाइटली वाउंड आर्म होते हैं और एंड लार्जर न्यूक्लियस सिस्टम का होता है, लार्जर सेंट्रल न्यूक्लियस जिसका होता है।
इस पे आते हैं एस सी पी, इसके लूजली वाउंडेड आर्म्स एंड अ स्मॉलर न्यूक्लियस। और जो एस बी है इसमें क्या होता है, मॉडरेटली वाउंडेड आर्म्स एंड एवरेज साइज न्यूक्लियस। तो ये हमारे स्पाइरल गैलेक्सीज के टाइप्स हो गई। अब हम पढ़ेंगे इररेगुलर गैलेक्सीज। अब इररेगुलर गैलेक्सीज में क्या होता है, इसकी नौ पर्टिकुलर शेप, नौ पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है कि ये अमंग दी स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज हैं एंड फुल ऑफ गैस एंड डस्ट होती हैं। क्योंकि ये फुल ऑफ गैस एंड डस्ट होती हैं, लॉट्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन होती हैं, विच मेक्स देम वेरी ब्राइट। और ये 20% ऑफ ऑल गैलेक्सीज आर इररेगुलर। हाँ, मैंने आपको आप बताया नहीं, ये भी 20% है और ये जो स्पाइरल वाली है ये भी 20% ऑफ ऑल गैलेक्सीज है। तो ये हुआ हमारा गैलेक्सीज वाला टॉपिक। अब हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो कौन सी गैलेक्सी है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की अब मिल्की वे गैलेक्सी भी स्पाइरल है, स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 105 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर ये हमारा टॉपिक भी है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि लाइट ईयर क्या होता है। मिल्की वे में हमारा सन इज नॉट दी लार्जेस्ट स्टार, और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो नियरेस्ट है वो अपने ऊपर पड़ी है, क्यों, एंड्रोमेडा नाम है उसका। तो ये हो गई हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइट ईयर क्या होता है। यहां लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर है ये है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट। लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस।
अब इसको लाइट ईयर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि क्या आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट ये है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे कोहाट में। कोहाट का जो कैंट है वो कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक? लेट्स सपोज 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम जब हम गैलेक्सीज की बात करते हैं कि ये है गैलेक्सी, ये गैलेक्सी 1 है, ये है गैलेक्सी 2 है। अब ये हम किलोमीटर में डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो यूनिट है हमारे पास वो है लाइट का। अब लाइट देखे ना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जब लाइट फॉर एग्जांपल, अब लाइट लेट सपोज ये लाइट है और ये जा रही है इस अपनी किस अपनी स्पीड में, ठीक है। तो ये 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या कहलाएगी? 1 लाइट ईयर। यानी के इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी उठा ली है, आपने एक गाड़ी उठा ली है और आप स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं, यानी आप 300,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं और आप 1 साल तक मुसलसल चलते जाएं, तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो कितना होगा? 9.461 × 10^12 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये इसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। ये है हमारा सन और ये है हम अर्थ में, ठीक है। अब हमारे पास जो सन से लाइट आती है, क्या आप बता सकते हैं वो कितने टाइम में हम तक पहुंचती है? अगर एमसीक्यू आ गया या क्वेश्चन आ गया कि टाइम मालूम करें कि लाइट कितनी देर में अर्थ तक पहुंचती है, सन की लाइट, तो आप देखें सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1,495,98,000 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1,490, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट भी हमें पता है कि स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे मैंने और अच्छे तरीके से लिखा है तो देखते हैं। देखें डिस्टेंस हमारे पास इतना है, स्पीड हमारे पास इतनी है, टाइम हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि S=V×T है। हमने T मालूम करना है, T को हमने वैसे लिख दिया, V को हमें S/V आ जाएगा। S कितना है हमारे पास? 1,495,98,000 किलोमीटर। ये आप याद भी कर लें, ये वाली MCQs में आ सकती है। अगर आप SCSS और PMS की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। और वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। आप किलोमीटर किलोमीटर कट गया, ये और ये भी आपस में कट गए, तो टाइम कितना रह जाएगा? तकरीबन बनता है 8.331 मिनट्स। यानी के सन से जो हमारे पास लाइट आती है उसको पहुंचने में, अर्थ तक पहुंचने में 8.331 मिनट्स लगते हैं। ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, जिसमें गैलेक्सी भी कवर हो गया और गैलेक्सी के साथ साथ इसमें हमारा लाइट ईयर भी कवर हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या है और सन और प्लैनेट्स, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।